अब खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ के विधायक नरेश कौशिक ने गांव असौदा टोडरान में करीब 51 लाख रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शुभारंभ करके ग्रामीणों को दीपावली पर्व पर सौगात दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि गांव के विकास के लिए जनता की भावनाओं के अनुसार ही विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो 32,60,000 की लागत से शीशी की गली बनाई गई, जो लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, ये पूरी की गई है। और इसके साथ साथ एक पाइपलाइन भी, पीने के पानी की बहुत भारी दिक्कत। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही, और लोगों ने बार बार दीपेंद्र हुड्डा से भी विनती की और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से भी बार बार विनती की, लेकिन कोई सुनवाई उस सरकार में नहीं हुई। अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गली के भी पैसे दिए हैं और पाइपलाइन के भी। मेरे हलके में अब कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पीने का स्वच्छ पानी गाँव वालों को ना मिलता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।